श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने ने शनिवार रात को ये जानकारी दी। अभयवर्धने ने शनिवार शाम को हुई सर्वदलीय नेताओं की बैठक के बाद उनके इस्तीफे के लिए पत्र लिखा था। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने अमरनाथ हादसे में मारे गए 3 राजस्थानी श्रद्धालुओं के परिजनों को 5-5 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। सीएम ने घटना पर गहरा दुख भी जताया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें एकनाथ शिंदे ने बताया था कि मुंबई लौटने के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव और गठबंधन के सहयोगी रहे सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए बीजेपी नीत एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन दे दिया है। सीएम एकनाथ शिंदे की कैबिनेट का विस्तार अगले सप्ताह हो सकता है। मिली जानकारी के मुताबिक 11 शिंदे गुट और 29 बीजेपी के मंत्री हो सकते हैं। आखिरी फैसला जल्द होगा। दिल्ली की एम्स में भर्ती लालू प्रसाद यादव की सेहत में लगातार सुधार दिख रहा है। शनिवार को भी उन्होंने कुर्सी पर बैठ के अपने परिवार वालों के संग बातचीत की थी। लालू प्रसाद ने हल्का भोजन भी किया था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई व शुभकामनाएं दी। इस मौके पर सुरक्षा व्यवस्थाओं और शांति व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। यूक्रेन में शनिवार को भी रूस का हमला जारी रहा। मारियोपोल और डोनेट्स्क समेत कई शहरों पर रूस ने बम और गोले बरसाए। डोनेट्स्क में हुए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए। टी20 क्रिकेट में इन दिनों दीपक हुड्डा का बल्ला आग उगल रहा है। कप्तान रोहित शर्मा ने शानदार फॉर्म में होने के बावजूद दीपक हुड्डा को प्लेइंग 11 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। गौरव तनेजा शनिवार को नोएडा के सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन पर जन्मदिन मनाने के लिए पहुंचे थे, जिसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर दी थी। गौरव तनेजा के बर्थडे सेलिब्रेशन की वजह से वहां पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे अन्य लोगों के साथ साथ मेट्रो स्टाफ को भी कई समस्याएं का सामना करना पड़ा। पहले गौरव तनेजा को पुलिस ने हिरासत में लिया और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया।